और 7 Pro लॉन्च हो चुका है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए किस प्राइस रेंज में। लेकिन उससे पहले इन दोनों फोन के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे इनके बारे में बात करें, तो Realme 7 के अंदर आपको मिलेगा 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, और इस तरफ Realme 7 Pro के अंदर आपको मिलता है 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले। लेकिन यहाँ पर जो Realme 7 है इसके अंदर आपको मिलेगा 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, और इस तरफ Realme 7 Pro के अंदर आपको 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर Realme 7 में आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, तो इसके वजह से यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, और यहाँ Realme 7 Pro के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फ्रंट में एक पंच होल देखने को मिलेगा फ्रंट सेल्फी कैमरे के लिए। और बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो Realme 7 में आपको इस बार एकदम नया प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा MediaTek की तरफ से, यानी कि यहाँ पर ये सबसे पहला ऐसा फोन है जिसके अंदर आपको MediaTek Helio G95 का ऑक्टोकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो G90T का एक सक्सेसर है। तो ये बहुत ही अच्छा और पावरफुल प्रोसेसर है। और इस तरफ Realme 7 Pro के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको Snapdragon 720G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिस तरह से आपको पिछले बार Realme 6 Pro में देखने को मिला था, तो ये वही ओल्ड प्रोसेसर आपको इस बार भी Realme 7 Pro के अंदर मिल जाएगा। और बात करें इन दोनों फोन के रैम और स्टोरेज के बारे में, तो आप देख सकते हैं दोनों ही स्मार्टफोन में आपको रैम और स्टोरेज का दो अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। और इस तरफ बात करें दोनों फोन के कैमरे के बारे में, तो इस बार दोनों ही स्मार्टफोन में आपको पीछे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, और हाँ यहाँ पर दोनों ही कैमरे में आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर Realme 7 और 7 Pro दोनों में ही आपको मेन कैमरा लेंस मिलेगा 64 मेगापिक्सल का, जो आता है सोनी IMX682 सेंसर के साथ। और यहाँ पर आपको सेकंड में मिलेगा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, थर्ड में आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और लास्ट में आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। और बात करें इन दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो Realme 7 में आपको यहाँ मिलेगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, जो आता है पंच होल सिस्टम के साथ, और यहाँ पर Realme 7 Pro में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, और ये भी आपको देखने को मिलेगा पंच होल सिस्टम के साथ। तो ये है दोनों फोन्स के डिफरेंस। और अभी जो ह्यूज डिफरेंस आपको दोनों ही फोन में मिलेगा वो है इन दोनों फोन्स का बैटरी और फास्ट चार्जिंग में, यानी कि Realme 7 में आपको यहाँ मिलेगा 5000 mAh का बिग बैटरी, और इस तरफ Realme 7 Pro में आपको मिलेगा 4500 mAh का बिग बैटरी। तो यहाँ पर आपको 500 mAh का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें फास्ट चार्जिंग के बारे में, तो Realme 7 में आपको मिलेगा 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, और इस तरफ Realme 7 Pro के अंदर आपको मिलेगा 65 वाट का सुपर डार्ट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ह्यूज डिफरेंस दोनों ही फोन में मिल जाता है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर जो Realme 7 Pro है इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा और फ्लेक्सिबल लेवल का स्पेक्स देखने को मिल जाएगा। तो आपको शायद अभी पता होगा कि इन दोनों फोन्स का प्राइस कितना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि Realme 7 और 7 Pro का प्राइस आपको बहुत ही ज्यादा रीजनेबल देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो Realme 7 है जिसमें आपको बेस वेरिएंट मिलता है 6GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, ये फोन आपको इंडिया के अंदर 15000 रुपए में मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्राइस टैग में आपको मिल जाता है। और इस तरफ बात करें Realme 7 Pro के बारे में, तो ये फोन का जो स्टार्टिंग प्राइस है यानी कि 6GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, ये फोन आपको देखने को मिलेगा 20000 रुपीज से। तो अगर आप 20000 के नीचे कोई नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से Realme 7 Pro आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो अभी आपको 20000 के नीचे मिल जाएगा। और इसके अंदर ऑब्वियसली आपको सुपर AMOLED का डिस्प्ले मिलता है, बहुत ही अच्छा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, सोनी का कैमरा लेंस मिलेगा, और अभी पबजी तो चला गया, तो मेरे ख्याल से शायद बहुत सारे लोग इस फोन की तरफ अभी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको Snapdragon 720G का प्रोसेसर मिलता है, जो उतना भी अच्छा नहीं है और उतना खराब भी नहीं है। सो मेरे हिसाब से अगर आप एक रीजनेबल बजट में एक 20000 के नीचे अच्छा फोन चाहते हैं, तो आपके लिए Realme 7 Pro बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपके पास 15000 का बजट है, यानी कि अगर आप 15000 के नीचे एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए Realme 7 एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको एक तो बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा 5000 mAh का, साथ में यहाँ फास्ट चार्जिंग भी आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है, और जो सबसे मेन चीज है कि इसके अंदर आपको बिल्कुल ही नया प्रोसेसर मिलेगा MediaTek की तरफ से, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 15000 के नीचे कोई अच्छा फोन चाहते हैं, तो आपके लिए Realme 7 बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये था मेरा ओपिनियन, और आपको क्या लगता है कि कौन सा फोन सबसे अच्छा है, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।